भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाली T20 वनडे और टेस्ट सीरीज का हो गया है ऐलान। कब कहां कितने मुकाबले खेले जाएंगे बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। इस साल के अंत में भारतीय टीम साउथ अफ्रीका दौरे पर जाएगी। इस दौरे पर दोनों टीमों के बीच 3 टेस्ट 3 वनडे और 4 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। पहले ये खबर थी कि सीरीज का पहला और आखिरी टेस्ट मैच जोहानिसबर्ग में होना था, लेकिन क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने तीसरे टेस्ट का स्थान बदलकर कैपटाउन कर दिया है। भारतीय टीम 17 दिसंबर को पहला टेस्ट मैच के साथ इस दौरे की शुरुआत करेगी। यह टेस्ट सीरीज फ्रीडम ट्रॉफी के रूप में खेली जाएगी। टेस्ट सीरीज के बाद वनडे सीरीज होगी। पहला वनडे पॉल में और बाकी के 2 वनडे कैपटाउन में खेले जाएंगे। इसके अलावा 4 T20 के पहले 2 T20 भी कैपटाउन में होंगे, बाकी के 2 T20 पॉल में खेले जाएंगे। टीम इंडिया का 17 दिसंबर से शुरू होने वाला यह दौरा 26 जनवरी तक चलेगा। पिछली बार 2018 में भारत ने सभी प्रारूपों के लिए साउथ अफ्रीका का दौरा किया था। उस दौरान साउथ अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज 2-1 से जीती थी, जबकि भारत ने वनडे और T20 सीरीज 5-1 और 2-1 से जीती थी। वहीं बात करें अगर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले शेड्यूल के बारे में, तो पहला टेस्ट मैच 17 से 21 दिसंबर तक जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। वहीं दूसरा टेस्ट मैच 26 से 30 दिसंबर तक सेंचुरियन के मैदान पर होगा। वहीं सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच 3 से 7 जनवरी तक कैपटाउन में खेला जाएगा। बात करें वनडे सीरीज की, तो पहला मैच 11 जनवरी को पार्ली में, दूसरा वनडे 14 जनवरी को कैपटाउन में, जबकि सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला 16 जनवरी को कैपटाउन में खेला जाएगा। वहीं दोनों टीमों के बीच T20 मुकाबले की बात करें, तो पहला T20 मुकाबला 19 जनवरी को कैपटाउन में, दूसरा T20 मुकाबला 21 जनवरी को कैपटाउन में। वहीं सीरीज का तीसरा मुकाबला 23 जनवरी को पार्ली, सीरीज का चौथा और आखिरी मुकाबला 26 जनवरी को पार्ली में ही खेला जाएगा। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।